हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मॉम एंड मी। आई होप कि आप सभी लोग खुश, स्वस्थ, मस्त होंगे और अपने अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और आप सभी लोगों का करवा चौथ का व्रत पूजा बहुत ही अच्छे से संपन्न हुआ होगा, जैसे कि मेरा। तो आज मैं आप लोगों के साथ यही वीडियो शेयर करने वाली हूँ कि मैंने किस तरह से करवा चौथ का व्रत पूजा पाठ किया है। इसमें कुछ छोटी मोटी गलती हुई होगी तो प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा। वैसे मुझे जितनी जानकारी इसके बारे में है, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट देख के पूजा करने की कोशिश की है। तो आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए, वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा। प्लीज़ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह व्रत कार्तिक मास में तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पूजा की सामग्री एकत्रित करके रखते हैं, जिसमें सुहाग की समस्त वस्तुएं सम्मिलित होती हैं। दीवार पर भिगे चावलों में हल्दी डालकर तीस पर बनाए अपन से करवा चौथ माता का सूत्र बनाया जाता है। आजकल कैलेंडर की भांति छपा छपाया ऐसा चित्र उपलब्ध होता है। इसमें ऊपर चंद्र और सूर्य करवा माता, शिव कार्तिक के गणेश देवता, सात भाई बहन, सीढ़ी पर चढ़ाए भाई, चलने से दीपक दिखाता हुआ तथा अन्य परंपरा अनुसार चित्र बने होते हैं। प्रायः परिवार और पास पड़ोस की महिलाएं एकत्र होकर चौथ माता से बने चित्र के सामने बैठकर पूजा करती हैं और सामायिक गीत करती हैं। इस पूजा में लकड़ी के एक पट्टे पर मिट्टी से बनाए गौरा, गणेश और शिव के प्रतीक रूप भी प्रतिष्ठित किए जाते हैं। इनका पूजन अर्चन चंद्रोदय से पूर्व कर लिया जाता है। इसी समय हाथ में चावल और फूल लेकर करवा चौथ और गणेश जी की कथा पढ़ी और सुनी जाती है।
नववध में पीहर से आई हुई वस्त्र वहाँ रखते हैं और पूजन के पश्चात बाने के रूप में अपनी सास जेठानी आदि को देकर आशीष प्राप्त करते हैं। चंद्र उदय होने पर चित चारों ओर शुरू होने लगता है। चंदा निकल आया हे माता रानी, हे करवा माता, हे गणेश भगवान, मेरा पूरा गोबर साफ करने के लिए चौथा भक्ति चंदा निकल आया। तब सुहागिन चंद्र दर्शन कर उसे अर्घ्य देती हुई तथा पूजा करती है। इसके बाद महिलाएं अपने कुछ वर्ग के पांव रखकर आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। यही व्रत के पारण का समय है और व्रती स्त्रियां अपना मुख झुकाती हैं, अर्थात कुछ खाकर अपना मुख झुका करती हैं। इसके बाद मिल बैठकर पूरी हुआ पकवानों को सभी परिवारजन खुशी से खाते हैं। पूजन सामग्री मिट्टी का बना करवा, धातु तांबे या पीतल का बना करवा, खान का करवा, लकड़ी का पट्टा, स्वच्छ पीली मिट्टी प्रतिमाएं बनाने की बोली, चावल, एप्पल, दीपक, रूई, बत्ती, कपूर, धूप बत्ती, दिया सलाई, फूल माला, पान, मौसमी फल, बतासे, केला अथवा मिष्ठान, गंगा जल तथा पीला लाल वस्त्र बिछाने को सुहाग की वस्तु में इच्छा अनुसार। करवा चौथ व्रत करता पहली कहानी। एक साहूकार के साथ भी कर रहा था तो एक मगरमच्छ उसका पैर पकड़ कर लोगों ले जाने लगा। तब पति जोर जोर से कहा, करवा करवा कहकर मदद के लिए पुकारने लगा। पत्नी ने यह सब देखा तो उसे अपनी सारी खींच से एक सूत खींचकर मगर की ओर फेंक दिया। वह उस सूत के धागे से बंधकर पति को आगे नहीं ले जा सका। करवा ने फिर धर्मराज को पुकारा। उस समय पतिव्रता की पुकार पर धर्मराज बोले, पतिव्रते तुम क्या चाहती हो? करवा बोली, महाराज आप धर्मराज कहते हैं, देखो मेरा पति नदी स्नान कर रहा था तो इस मगरमच्छ ने पूजा हो जाएगा, आप उसे मार कर मेरे पति को बचाएं। यमराज बोले, थोड़ा सा है, मगरमच्छ की आयु अभी मरने की नहीं हुई है, अभी इसकी आयु शेष है, इसलिए मैं इसको फोटो खींच लो। करवा बोली, भगवान आप धर्मराज हैं, आपका धर्म दुष्टों को दंड देने का है, फिर आप ऐसा क्यों सुंदर आया होगा ना। धर्मराज उसकी बात सुनकर मौन थे। तो एक और जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देव, माता जती पार्वती पिता महादेव, लड्डवन के भोग लगे शांत करे शिव, दीनन की लाज रखो शंभु सुत भाई, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश। तो कुछ इस तरह से मैंने करवा चौथ के व्रत का पूजा किया। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी प्रकार की अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी वीडियोस मैं आप लोगों के साथ लाती रहूँगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।